पहाड़ी ब्यूटी। गाइस आज का जो वीडियो है वो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो और ये रिक्वेस्ट की है मुझसे मनप्रीत जी ने। थैंक यू सो मच मनप्रीत जी, आई होप कि आपके ऊपर ये रेमेडी वर्क करें। तो आज का वीडियो है डार्क सर्कल्स रिलेटेड। सर्कल की जो प्रॉब्लम है ना वो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बिकॉज हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि दिन भर या तो हमें कंप्यूटर पे काम करना होता है या फिर मोबाइल पे ही काम करना होता है या फिर हमें बुक्स पढ़नी होती हैं। मतलब कि हम अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें खुली हवा में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। ऊपर से जो डस्ट पॉल्यूशन है वो अलग। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मॉर्निंग 8:30 से लेकर 6 PM तक बुक्स पे ही बिज़ी रहती हूँ। दिन भर बुक बुक होता है मुझे, कभी पढ़ना होता है कभी पढ़ाना होता है। और दूसरी बात कि जब मैं नाइट में फ्री होती हूँ, नाइट का टाइम ही फ्री होता है, तो नाइट के टाइम पे वीडियो शूट करती हूँ फिर उसे एडिटिंग करती हूँ, तो मेरी आंखों में खुद ही दर्द होता है। तो अक्सर या तो मैं यही वाली रेमेडी यूज़ करती हूँ, वीक में 2 बार तो मैं करती हूँ क्योंकि मुझे अंधा नहीं होना है अभी से। और नॉर्मल टाइम पर मैं एक खीरे का टुकड़ा लेती हूँ और उसे अपनी आइज़ पर रख देती हूँ, तो उससे भी मुझे काफ़ी आराम मिलता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डार्क सर्कल होते क्यों हैं। डार्क सर्कल होने का जो सबसे मेन कारण है वो है दिन भर स्ट्रेस। स्ट्रेस एक सबसे बड़ी चीज़, जो स्ट्रेस होता है वो सभी प्रॉब्लम की जड़ होती है। अगर हम दिन भर तनाव में रहते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं, तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि खुश रहिए और तनाव से दूर रहिए। अपने दिमाग में दिन भर खिचड़ी मत पकने दीजिए, फ्री रखिए अपने दिमाग। सेकेंड चीज़ जो है पूरी नींद, गहरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी नींद लीजिए, ब्यूटी स्लीप लीजिए, जो कि 7 से 8 घंटे की होती है। लेकिन मुझे पता है कोई भी 7 से 8 घंटे की स्लीप तो लेता ही नहीं होगा, बिकॉज इतना काम होता है। तो कम से कम नाइट में कोशिश कीजिए कि 10 बजे तक सो जाएं और मॉर्निंग में 4, 5 या 5, 6 बजे तक उठ सकते हैं। तो नाइट में 10 बजे सो जाइए और मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाइए। तो ये के अलावा जब हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है तो भी हमें डार्क सर्कल होते हैं। और इसके अलावा जब अगर हमारे पेरेंट्स को डार्क सर्कल हैं तो भी हमारे डार्क सर्कल होने की संभावना हो। इसके अलावा अगर हम मोबाइल पे ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं या टीवी ज़्यादा नज़दीक से देखते हैं या फिर बुक्स जो है वो ज़्यादा क्लोज होके पढ़ते हैं तो भी हमारे डार्क सर्कल होते हैं, हमारी आँखें जो कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो आइज़ की ये वाली लेयर होती है वो बहुत पतली होती है। तो जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं या फिर हमें हमारी आँखों पर जिन चीज़ों से ज़्यादा जोर पड़ता है वही काम करते हैं, तो यहाँ पर की जो लेयर है वो कमज़ोर होने जो है वो ब्लैक होने लगता है। अगर हम सनस्क्रीन का ठीक तरीके से यूज़ नहीं करते हैं या फिर धूप में ज़्यादा काम करते हैं तो भी हमारे डार्क सर्कल होते हैं। विटामिन ए सी ई के की कमी के कारण भी हमारे डार्क सर्कल होते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से हमारे डार्क सर्कल हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए अवॉइड करने। अब मैं आपको बताती हूँ कि डार्क सर्कल को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले तो आप जूस पीना स्टार्ट कर लीजिए, फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर लीजिए, सब्जियाँ खाइए, विटामिन ए सी ई और के हो इनकी भरपूर मात्रा हो, खूब सारा पानी पीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, टीवी मोबाइल को कम यूज़ कीजिए, और अगर यूज़ करते भी हैं तो थोड़ा उन्हें दूर रखिए अपने आप से, एकदम क्लोज होके मत। एक और चीज़ है गाइस, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको अपना फेस तो आप वॉश करते हो ना, तो उसी तरीके से आपको अपनी आईज़ को भी वॉश करना है। कैसे करके आप मॉर्निंग में उठिए, उसके बाद अपने मुँह में पानी भर लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप मुँह में पूरा पानी भर लीजिए और उसके बाद ठंडा पानी लेके अपनी आईज़ पर इस तरीके से कीजिए। इस तरीके से अगर आप 5-6 बार अपनी आईज़ में पानी डालते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा आपकी आंखों के लिए। इससे ऑक्सीजन, फेस को इससे बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। अलावा योगा कीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा रहे। तो चलिए अब मैं आपको होम रेमेडी बता देती हूँ कि वो कौन सी होम रेमेडी है जो कि आपको यूज़ करनी है, एंड वीक में आपको कम से कम 2 से 3 बार इसे यूज़ करनी है। और अक्सर आप या तो कॉटन पैड में लेके गुलाब जल लेके आप अपनी आईज़ पे रखा कीजिए, अगर रोज़ इस रेमेडी को यूज़ नहीं कर सकते हैं तो, या फिर आप ककड़ी का एक टुकड़ा लेके उसे अपनी आँखों पे रखिए, या फिर आप पोटैटो का ही एक छोटा सा पतला सा पीस निकाल के उसे अपने आईज़ पे रखिए। तो रोज़ाना आपको ये सब चीज़ें तो करनी है, जो टिप्स मैंने आपको दी हैं उन्हें भी फॉलो करना है, जो मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बोला है उन्हें अवॉइड भी करना है। एंड वीक में 2 से 3 बार इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छी रेमेडी है एंड आपको फ़ायदा भी मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट 100% नेचुरल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं रेमेडी।
इसके लिए आपको चाहिए एक पोटैटो और दो खीरे के पीसेस छोटे छोटे, इन्हें आप कट कर लीजिए और फिर आपको करना है इसे मिक्सी में ग्राइंड। पेस्ट जो बनेगा उसका आपको जूस निकालना है, और ये रहा इन दोनों का मिक्सचर का जूस। और इसमें आपको मिक्स करनी है विटामिन ई कैप्सूल, तो एक ही विटामिन ई कैप्सूल मिक्स कर लीजिएगा, बहुत है। इसका ऑयल निकाल लीजिए आप, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है, देख लीजिएगा। एंड उसके बाद रोगन बादाम सिरिन की कुछ बूंदें आपको मिक्स करनी है, आमंड ऑयल की बहुत अच्छा है। एंड मिक्स करना है एलोवेरा जेल। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप लीजिए कॉटन और उसको इस तरीके से बना के इस मिक्सचर में डिप कर लीजिए, और जो उसका एक्स्ट्रा है उसे थोड़ा सा निचोड़ लीजिए आप। गाइज बहुत ही अच्छी नेचुरल एंड 100% इफेक्टिव रेमेडी है, ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा एक बार। एंड गाइज उसके बाद अगर आपने आईज मेकअप किया है तो उसे रिमूव कर लीजिए, और इसे जो कॉटन पैड है इसे आप अपने आईज पे रख लीजिए, बहुत ही रिलैक्स मिलेगा आपको इस चीज़ से। लेकिन गाइज ये अपना असर तभी दिखाएगी अगर आप उन टिप्स को भी फॉलो करोगे जो कि मैंने आपको बताया है। और इसके रखने के बाद आपको कुछ काम नहीं करना है, बस 10 मिनट तक रिलैक्स करना है। अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए, कुछ सोचिए मत, 10 मिनट तक आराम कर लीजिए। उसे निकालने के बाद आप थोड़ा सा 2-3 मिनट मसाज कर लीजिए अपनी आईज़ को। एंड गाइस सारे टिप्स फॉलो करोगे तो आपके डार्क सर्कल छूमंतर हो जाएंगे। आज का वीडियो, एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप भी कोई वीडियो मुझसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कहिए, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। एंड रेमेडी को यूज़ करने के बाद अपने जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि वो रेमेडी आपके ऊपर काम करी है या नहीं, और लोग भी इससे इंस्पायर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय।